press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तीसरे मोर्चे के गठन की तरफ निकले खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर को निकाले जाने वाली महारैली के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलवर जिले में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने प्रदेश में क्रमवार प्रदेश को लूटा है। अब समय आ गया है इन्हें जवाब देने का। अब तीसरे विकल्प के रूप में तीसरे मोर्चे के गठन किया जा रहा है। जयपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये उकार रैली 5/5 है, जिसे पहले 4 बड़ी रैली हमने नागौर के अंदर 7 दिसंबर 16 को, 7 जनवरी 18 को बाड़मेर के अंदर और बीकानेर के अंदर 4 फरवरी 18 और 10 जून को सीकर के अंदर बड़ी रैलियां करी थी। और इन रैलियों के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है राजस्थान के जवानों किसानों का और 36 कौम के लोगों का, ऐसा लग रहा है कि जनता यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है राजस्थान के अंदर। और हमने एक जन आंदोलन छेड़ा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का ऋण, मुफ्त बिजली मिले। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर बहुत आगे बढ़ गया दूसरे राज्यों से, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के बाद अपनी बहुत अच्छी स्थिति है। तो किसानों को जो सब्सिडी पर सरकार बिजली देती है, 3 रुपये सब्सिडी देती है, तो 90 पैसा भी नहीं लें, ये हमारी मांग थी। 1-4 लाख खाली पद पड़े हैं, संविदा कर्मी भी लंबे टाइम से लगे हुए थे, इनकी मांग थी। तो 4 लाख खाली पद सरकार भरे, बेरोजगारी भत्ते की भी कई राज्यों के अंदर बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत करी, जो 10,000 रुपये रोजगारी भत्ते की हमने मांग करी थी। एक हमारी मांग थी कि जब रोड टैक्स देते हैं हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो फिर टोल टैक्स किस बात का, टोल मुक्त राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, क्योंकि सब जितने भी, चाहे आपका अमेरिका, जापान, इजराइल, जहाँ जहाँ फसलें बाजार मूल्य से 3 गुना दाम फसल का मिलता है, यहाँ 100 रुपये खर्च करते तो 57 रुपये मिलता है, मतलब बाजार मूल्य से 43 रुपये के घाटे में फसल किसान को बेचनी पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति दिनों दिन किसान की नीचे जा रही है। और स्वामीनाथन आयोग इसीलिए गठन हुआ था कि भाई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान को कैसे ठीक किया जाए देश के लिए, तो आयोग बनाया। और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो प्रधानमंत्री के पेंडिंग पड़ी। हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज सरकार लागू करे, एक मांग हमारी ये थी। इसलिए 3 जो लोकायुक्त की रिपोर्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने कई बार ये मामला भी उठाया है, जिसमें गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ 15 FIR, जिसमें ये लिखा कि IAS अधिकारियों के साथ साथ उन लोक सेवकों के जिनकी अनुमति से अलग अलग जमीनें आवंटित की तो किसी प्रयोजन के लिए और काम किसी में ले रहा। तो 15 ऐसे मामले लोकायुक्त ने, जो कई तो माथुर आयोग के मामले थे जो लोकायुक्त को सौंपे, और उसके अलावा भी लोकायुक्त की जो सिफारिशें थी उसमें 15 मामलों में 2004 से लेकर और 2012-13 तक सीधा सीधा मतलब CM की ओर इंगित किया गया, उन मंत्रियों की ओर और उन अधिकारियों की ओर। वो रिपोर्ट लोकायुक्त किसको भेजता, मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री क्यों अपने खिलाफ FIR करेगा, डंप हो जाता, डाकखाना हो गया लोकायुक्त। हम चाहते हैं कि MP उत्तराखंड, इस उत्तराखंड की तरह मजबूत लोकायुक्त बने, जिसको खुद की ताकत सकते हैं, SCB की तरह वो FIR भी दर्ज कर सके और कार्रवाई भी कर सके। ये हमारी प्रमुख मांग है कि हर खेत को पानी और गैर उपभोक्ताओं को भी आधी दर पर बिजली जाए। जब दिल्ली की सरकार ने आधी दर पर बिजली दी है, जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं के समान है, फिर भी उनकी सोच थी, तो ये हमारी प्रमुख मांग थी जिनको लेकर हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया। और दोनों पार्टियाँ, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, 20 साल से गेम चल रहा है, 70 साल से राजस्थान के अंदर इन दलों की दादागिरी चल रही है। तो राजस्थान का जवान इस बार चाहता है दलों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म हो, और हमने हुंकार भरी और इस हुंकार के माध्यम से 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 1 लाख जवानों को नौकरियां भी मिली, और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट थोड़ी सी लागू करी, कई दरें बढ़ी, जैसे मूंगफली, सरसों, चना जो भी थे, कुछ दरें इन्होंने सरकार ने इस बार बढ़ाई थी, और मुफ्त बिजली की घोषणा 5 HP तक की सरकार ने करी, वो मतलब हमारे हिसाब से कम है, क्योंकि 5 HP से ज़्यादा मोटर है राजस्थान के अंदर, लोगों के पानी बहुत गहरे चले गए। तो इनको लेके हम जयपुर की धरती पे 29 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली की सरकार को चेतावनी देंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे, जयपुर को हम उस दिन घेरेंगे। और उसी दिन नई पार्टी का ऐलान भी हम लोग जयपुर की धरती से नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हमने पहले ही कह दिया कि गठबंधन के रास्ते सबके लिए खुले हैं, भारत वाहिनी, बसपा, सपा और अन्य जो भी दल हमसे गठबंधन करना चाहेंगे, जो BJP कांग्रेस के खिलाफ हमारे साथ आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। हम बातचीत ही कर रहे हैं सबसे, इधर उधर कोई बातचीत हो जाए और वोट बंटे नहीं,
बीजेपी तो बहुत नीचे चली गई राजस्थान के अंदर, क्योंकि वसुंधरा के साथ साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा भरोसा किया था देश के अंदर, लेकिन फेल्योर साबित हुआ सारा सिस्टम। भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच गया, अपराध के अंदर राजस्थान 2 नंबर पे आ गया और महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गया। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि आपने लोकतंत्र को जिंदा रखा, नहीं तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया था। विपक्ष वसुंधरा की गोद में बैठ गया था राजस्थान में, कांग्रेस 4.5 साल गायब थी, सदन में वही मुद्दे उठाते थे जो बीजेपी चाहते थे, और शाम को साथ बैठ के चाय नाश्ता करते थे। सुबह तय हो जाता था कि मुझे कौन सा मामला उठाना है, अध्यक्ष से चैम्बर में गए, अध्यक्ष परमिशन दे देता था, अखबार में नाम छप जाता था, मंत्री जवाब दे देता था। कांग्रेस ने कोई हुंकार राजस्थान में नहीं भरी। 2 महीने से कांग्रेस राजस्थान में दिखने लगी है, वो भी अभी इनके पास कोई चेहरा नहीं, इसलिए राहुल गांधी को बार बार यहाँ घुमा रहे हैं, और राहुल का कोई बड़ा प्रभाव मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज और जो सिस्टम है उसे लोग हंसी के पात्र के रूप में उसको राजस्थान के अंदर देख रहे हैं, तो कांग्रेस से भी लोग खुश नहीं हैं, बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, और जवान हमारे साथ पूरे राजस्थान का चल रहा है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा ठीक होगा। लड़ाई पूरी दमखम के साथ लड़ी थी, आगे भी दमखम के साथ लड़ेंगे, और 29 तारीख को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। विशेष बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि किसान को पूर्ण कर्ज माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान रहे, 4 लाख युवाओं को नौकरी, मजबूत लोकपाल व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, अगर सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर भरतपुर का उनके जीवन में खासा योगदान रहा है, छात्र राजनीति में भी उनको यहाँ हमेशा मदद मिली। अलवर प्रदेश में खास स्थान रखता है, अलवर से मैसेज सीधा जयपुर में सरकार तक पहुंचता है, यहां से कई किसान आंदोलन भी हुए, कांग्रेस और भाजपा में जिनका सम्मान नहीं हो रहा उनको भी अपनी पार्टी में मिलाकर टिकट दिया जाएगा, जो किसान नेता अब तक टिकट तक नहीं पहुंच सके हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, बेरोजगारों को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े वह करना चाहिए, तो वहीं युवाओं को नशा नहीं करने की सलाह भी दी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।